आर्पिटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आइए हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमेशा की तरह एकदम कमाल की ताजा खबरें। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले। तो आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं Xiaomi से। Xiaomi 13T Pro ये जो स्मार्टफोन है, जो कि एक 5G स्मार्टफोन है, जो कि 1 सितंबर को ग्लोबली लॉन्च होने वाला है, लैंडिंग पेज भी निकलकर बाहर आ चुका है और यही स्मार्टफोन के लॉन्चिंग से पहले उसकी पूरी की पूरी स्पेक्स निकलकर बाहर आ चुकी है। फिर 6.67 इंच के में 1.5K OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। MediaTek Dimensity 9200 प्लस चिपसेट की भयंकर ताकत देखने को मिल जाएगी। 50+13+50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है। 5000 mAh बैटरी, 120 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, IP68 की रेटिंग, एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। अब खैर देखते हैं ये जो स्मार्टफोन जिसे किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है, इस बात का इंतजार है। सैमसंग की बात करते हुए, सैमसंग गैलेक्सी S23 FE ये जो स्मार्टफोन है जिसका सपोर्ट पेज लाइव हो चुका है उनकी खुद की वेबसाइट पर, यानी कि समझ लीजिए आने वाले कुछ ही दिनों में ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। अब ये स्मार्टफोन को किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है कितनी ही जल्दी, इस बात का इंतजार रहेगा। वैसे आप एक्साइटेड हो ये स्मार्टफोन को लेकर, आपकी क्या सोच है इसके बारे में कमेंट में जरूर से बताइए। प्राउड मोमेंट्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं हमारे भारत में, जहां पर सबसे पहले चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल मिशन रहा, जो कि हमारे भारत के लिए काफी प्राउड मोमेंट थी। अब एक और प्राउड मोमेंट है जो कि हमारे भारत के लिए, जहां पर नीरज चोपड़ा जो कि हमारे भारतीय है और जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया हुआ था, और वो जो कि हमारे पहले भारतीय बन जाते जहां से ये गोल्ड मेडल जीत के लाए हमारे भारत के लिए, वैसे ही हमारे लिए काफी प्राउड मोमेंट है हमारे पूरे भारत के लिए। आपकी क्या सोच है इसके बारे में कमेंट में जरूर से बताइए। रियलमे की बात करते हुए, रियलमे GT5 ये जो स्मार्टफोन है जिसके लेकर आप सब रुके हुए थे, तो ये स्मार्टफोन फाइनली लॉन्च हो चुका है भारत में नहीं, चाइना में। और ये स्मार्टफोन के अगर कुछ स्पेक्स के बारे में बात करें, तो 6.74 इंच के में 1.5K OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश के साथ। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है यही स्मार्टफोन में। 5240 mAh की बैटरी, 150 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 4600 mAh की बैटरी, 240 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 50+8+2 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप एंड 60 मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी कैमरा, एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और क्या चाहिए। और ये जो स्मार्टफोन है जिसमें हमें मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर जो बेस वेरिएंट है वो 12GB रैम 256GB से शुरू हो जाता है, और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जो कि 24GB रैम 1TB स्टोरेज के साथ आता है। अब यहाँ पर जो मेरा पसंदीदा वेरिएंट है वो 24GB रैम 1TB स्टोरेज वाला वेरिएंट है, क्योंकि इसके अंदर हमें 4600 mAh की बैटरी एंड 240 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और जो बेस वेरिएंट है, जो मिड वेरिएंट है, उन दोनों ही वेरिएंट में 150 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब ये जो स्मार्टफोन जिसके अगर कीमत की बात की जाए, तो जो बेस वेरिएंट है जिसकी कीमत कुछ 34,000 रुपीज के आसपास से शुरू हो जाती है अगर इंडियन करेंसी हिसाब से कन्वर्ट किया जाए तो, और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसकी प्राइस कुछ 44,000 रुपीज के आसपास जाती है। अब ये स्मार्टफोन के प्री ऑर्डर्स 5 सितंबर से शुरू होने वाले हैं चाइना में। अब ये जो स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से शायद से नेक्स्ट मंथ में भारत में भी देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं स्मार्टफोन में कितनी ही जल्दी भारत में देखने को मिल जाता है, इस बात का इंतजार है। वैसे आप एक्साइटेड हो ये स्मार्टफोन को लेकर, आपकी क्या सोच है इसके बारे में कमेंट में बताइए। व्हाट्सएप की बात करते हैं, व्हाट्सएप अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर करने के लिए कुछ न कुछ नए अपडेट्स लाता ही रहता है। तो व्हाट्सएप पर बहुत ही जल्दी एक नया फीचर आएगा, जहां पर आपके जो वीडियोस होते हैं जिसे HD क्वालिटीज में शेयर कर पाओगे, अगर जिससे भी शेयर करना चाहते हैं उनसे, तो ये वैसे काफी अच्छा फीचर आने वाला है। जहां पर अभी तक आप जो भी वीडियोस वगैरह शेयर करते होगे, तो वो जो वीडियोस है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके कुछ 480p या 320p की क्वालिटी में जाता था हर एक पर्सन को, पर अब ये जो नया फीचर आएगा जिससे आप एटलीस्ट 720p की क्वालिटी पे वीडियोस को शेयर कर पाओगे। वैसे आप हमें ये बताइए आपके लिए फीचर यूजफुल होगा या नहीं, कमेंट में बताइए।
रिलायंस की बात करते हुए, रिलायंस का कल ही AGM गया जहां पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स को लॉन्च इसके रिलेटेड बातें की गई रिलायंस की ओर से। और जहां पर एक बात मुझे जो कि सबसे बेहतरीन लगी है, जहां पर रिलायंस ने 450 मिलियन सब्सक्राइबर को अपने साथ जोड़ लिया है और ये काफी बड़ा नंबर भी होता है वैसे। और जहां पर रिलायंस ने ये बताया कि ऑन एन एवरेज हर एक जो यूजर है वो कुछ 25 GB पर मंथ का डेटा का इस्तेमाल करता है एवरी मंथ, यानी वैसे काफी अच्छी बात है। और ये सुनकर भी अच्छा ही लग रहा है कि जहां पर हर एक जो यूजर से वो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने लगे, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख लिए, गेम्स वगैरह ऑनलाइन खेल ली या फिर रील्स वगैरह देख लिए, यानी बहुत अच्छी बात है कि भाई यूजर्स इतने जीबी डेटा कंज्यूम करते हैं। वैसे आप हमें ये बताइए, आप ऑन एन एवरेज कितने जीबी डेटा का इस्तेमाल करते हो पर डे में, कमेंट में जरूर से बताइए। फ्लिपकार्ट की बात करते हुए, फ्लिपकार्ट ने मार्क्यू ब्रांडिंग में अपना एक नया मॉनिटर लॉन्च कर दिया है, जहां पर इसके कुछ स्पेक्स के बारे में बात करें तो 32 इंच का ये मॉनिटर है जिसमें हमें 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और ये FHD IPS डिस्प्ले के साथ आता है। और ये जो मॉनिटर है जिसके अगर कीमत की बात की जाए तो 11,999 प्राइस रखी गई है, एंड ये जो 28 अगस्त से सेल पर भी जा चुका है, यानी अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो आप इसे जरूर से फ्लिपकार्ट पर चेकआउट कर सकते हो। जियो की बात करते हुए, जियो का जो 5G फोन है जो कि कहा जा रहा है बहुत ही जल्दी में देखने को मिल सकता है भारत में, और यही 5G फोन से रिलेटेड कुछ AGM में भी बातें की गई थी, हिंट दी गई थी कि भाई ये जो स्मार्टफोन है वो हर एक यूजर्स के लिए अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्च किया जाएगा। और जहां पर यही स्मार्टफोन के अगर रूमर स्पेक्स के बारे में बात करें तो भाई कहा जा रहा है ये स्मार्टफोन में हमें यूनिसोक की 5G चिपसेट देखने को मिल सकती है या फिर मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिल सकता है, और ये स्मार्टफोन हमें मे बी 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। अब वैसे देखते हैं कि भाई जियो का ये जो 5G फोन है जिसे किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है भारत में और कितनी ही जल्दी, इस बात का इंतजार है। क्वालकॉम की बात करते हैं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 ये जो चिपसेट है जिसका लॉन्चिंग कहा जा रहा है हमें शायद से अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा ऑफिशियली। और यहाँ पर लॉन्चिंग से पहले यही चिपसेट के साथ एक स्मार्टफोन है जो कि गीग बैच पर लिस्ट हो चुका है। सोचिए, बहुत सारी कंपनी ने बताया हुआ है कि भाई यही चिपसेट के साथ हम हमारा स्मार्टफोन लेकर आएंगे, पर एक कंपनी है जिन्होंने गीग बैच पर ये स्मार्टफोन को लिस्ट कर दिया है। और ये जो स्मार्टफोन है जिसका नाम है नूबिया रेड मैजिक 9, और यही स्मार्टफोन के अगर मल्टी कोर स्कोर की बात की जाए तो भी स्कोर है 5,977, यानी काफी बेहतरीन स्कोर निकल कर आ चुका है यही चिपसेट के साथ, यानी जो परफॉर्मेंस है वो काफी तगड़ी देखने को मिल जाएगी। अब ये तो स्मार्टफोन के आने के बाद ही पता चल सकता है, वैसे ZTE के स्मार्टफोन हमें भारत में देखने को मिलते नहीं है। अब देखते भी कौन सा पहला स्मार्टफोन होता है जो कि हमें यही चिपसेट के साथ भारत में देखने को मिल जाता है, इस बात का इंतजार है। ओप्पो की बात करते हुए, ओप्पो का अपकमिंग स्मार्टफोन ओप्पो A38 जिसके लॉन्चिंग से पहले इसके रेंडर्स एंड पूरे के पूरे स्पेसिफिकेशंस निकल कर बाहर आ चुके, ये स्मार्टफोन के कुछ स्पेक्स के बारे में बात करें तो 6.56 इंच की हमें HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, वो भी 90 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। इसमें कहा जा रहा है शायद से हमें मीडियाटेक हीलियो G99 चिपसेट देखने को मिल सकती है या फिर मीडियाटेक हीलियो G80 चिपसेट। अब ये तो लॉन्चिंग के बाद ही पता चल सकता है। और ये जो स्मार्टफोन है जिसमें हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, 50+2 MP ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जबकि 5 MP फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स। और ये जो स्मार्टफोन है जो कि कहा जा रहा है नेक्स्ट मंथ यूरोप में लॉन्च किया जाएगा, अब देखते हैं स्मार्टफोन भारत में लॉन्च किया भी जाता है या नहीं। काम की दिल की बात करते, अगर आपको चाहिए एक साउंड बार वो भी कम कीमत में और वो भी बेहतरीन ब्रांड का, तो ये जो डील है ना वो आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। भाई JBL के और सामने JBL सिनेमा SB241 साउंड बार फिलहाल बहुत ही कम कीमत में भी आपको Amazon पर देखने को मिल जा रहे हैं। और ये साउंड बार के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात की जाए तो भाई इसमें हमें 110 W का आउटपुट देखने को मिल जाता है, साउंड बार के साथ साथ आपको सबवूफर भी देखने को मिल जाता है। और ये जो साउंड बार है जिसमें आपको ऑक्स से लेके ARC से लेके ब्लूटूथ HDMI सारे जो काम के पॉड्स है वो देखने को मिल जाते हैं, और क्या चाहिए। और ये साउंड बार की अगर कीमत की बात करें तो ये अभी आपको Amazon पर देखने को मिल जा रहा है सिर्फ 8,499 रुपये में, ये वैसे काफ़ी अच्छी डील है। अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हैं, उसकी जो लिंक है आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं, भाई वालोरेंट ये जो गेम है जिसका नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, भले खेला ना हो पर सुना तो होगा ही। और ये जो गेम है जिसके लिए काफी अच्छी खबर निकल कर आ चुकी है, जो कि ये गेम को जितने भी यूजर्स खेलते हैं उन सभी के लिए, जहां पर वालोरेंट का जो स्टोर है वहां पर अगर आप कोई भी चीज को परचेस करना चाहते हो तो अब से आप UPI मेथड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ,
ये ऐड हो चुका है, जो कि मार्च 2023 से पहले अवेलेबल था ऑलरेडी, पर बीच में इसे हटा दिया गया था। अब वापिस से ये आ चुका है, यानी अब से आप वैलोरेंट स्टोर में से कोई भी चीज को खरीदना चाहते हो तो यूपीआई पेमेंट से जरूर से खरीद सकते हो। और ये जो गेम है वैसे काफी पॉपुलर है, जो कि एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है, एक एक्शन गेम है। आपने ये गेम को खेला हुआ है या नहीं कमेंट में जरूर से बताइए। तो बस आज की टेक न्यूज यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जरूर से नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।